अनुप कुमार है और मैं शिक्षण संस्थान का निदेशक हूँ, जीनियस क्लासेस। साथ ही मेरा एक प्ले स्कूल चलता है, आंगन प्ले स्कूल। अपने करियर को मैंने शुरू किया था कॉरपोरेट से, लगभग 7-8 साल कॉरपोरेट में काम करने के बाद मैं समाज में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और आज का जो विषय है बिहार की परिस्थिति, इसका सबसे मुख्य कारण है हमारा जो आज का परिस्थिति है, हमारा जो आज का इस राज्य का परिस्थिति है, इसके पीछे हमारी सोच, जो हम सोचते हैं, यह सबसे बड़ा कारण है। अभी चुनाव का माहौल है, 2020 में हम लोग हैं, चुनाव का परिदृश्य है और चुनाव में बहुत से लोग एक्टिव हैं, बहुत सारा विंग्स एक्टिव है। आप देखेंगे कि वो लोग कहीं भी नहीं थे। अगर मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो मुजफ्फरपुर जिले के किसी भी गतिविधि में नहीं थे, वो अभी चुनाव के समय एक्टिव। तो सबसे पहले हमें राजनीति पे नजरिया बदलना है। अगर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, या जो सोचते हैं कि अपनी करियर को राजनीति में लाएंगे, राजनीति को अपनी अपना करियर बनाएंगे, आपको हमेशा एक्टिव रहने की जरूरत है। पिछले साल 2019 की बात है, जब चमकी बुखार और इन चीजों से हमारा ये जिला मुजफ्फरपुर क्षेत्र जूझ रहा था, उस वक्त सामाजिक लोग, सामाजिक कार्यकर्ता जरूर जा रहे थे, बट राजनीतिक लोग वहां सिर्फ देखने जाते थे। ये मेरा देखा हुआ है। आई थिंक जब मैं गया था तो लोकेश वगैरह से वहां मुलाकात भी हुई थी। इंस्टीट्यूट जब बंद किया गया तो मैं खाली हो गया था, खाली दिमाग, तो मैं कहा चलो मेडिकल कॉलेज चलते हैं, क्योंकि काम के सिलसिले में नहीं जा पा रहा था। प्रशासन ने गर्मी के कारण उसमें स्कूल बंद किया। वहां जाने के बाद वहां जो मूलभूत व्यवस्था है वो नहीं है, तो क्या एक दिन में कोई व्यवस्था परिवर्तित होती है? ये सड़क आज नहीं टूटा है, ये मोतीझील आज नहीं बना है, ये सरैयागंज का जो परिदृश्य आज नहीं है, ये तमाम हम लोग बचपन से देखते आए हैं। थोड़ी बहुत सड़क की चौड़ीकरण हुई है, लेकिन हम आवाज कब उठाते हैं? अब आवाज उठाते हैं चुनाव के वक्त। तो हमें अपने सोच को बदलना होगा सबसे पहले, क्योंकि हम आवाज उठाएं। दूसरा चीज है कि जब हम आवाज उठाते हैं तो इसको पॉलिटिकल व्यू से लोग देखना शुरू करते हैं कि कहीं आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। अब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी हमारी थिंकिंग है। जब हमें राजनीति में आना होता है तो हम आवाज उठाना शुरू करते हैं, तो यूथ जो है, जो किसी और इंडस्ट्री में कहीं और काम कर रहा है, वो आवाज उठाने से इसलिए बचता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो लोग समझेंगे इनको नेता बनना है। तो ये जो परिदृश्य हमने क्रिएट किया है, ये हमारा क्रिएट किया हुआ है। हम लोग अगर अपनी सोच को बदले, राजनीति अपने आप बदलेगी। और जब तक हम लोग राजनीतिक परिवेश को नहीं बदलेंगे, राज्य नहीं बदलेगा। 1990 से पहले की बात हम करते हैं, इंडस्ट्रीज थी। इंडस्ट्रीज आज के दौर में बहुत लोगों को पता होगा कि कहां कहां इंडस्ट्रीज थी। 2-4-6 महीने से पता चलना शुरू हुआ है कहां कहां इंडस्ट्रीज थी। इससे पहले लोगों को यह भी नहीं पता था कि इंडस्ट्रीज कहां है। इंडस्ट्रीज तो यहां थी, बंद हुआ 1990 में। 90 के दशक में हम लोग बहुत छोटे रहे होंगे, तो 90 के दशक में जो यहां का माहौल था उसमें इंडस्ट्रीज यहां बंद हुई। उसके पीछे भी ये कास्ट फैक्टर, जो अभी जातिवाद बात हो रही थी, लोग अपने जाति को ही चुनना पसंद करते हैं, तो यही रीजन था उस समय इंडस्ट्रीज को बंद होने का। सपोज कहीं यादव बहुल्य क्षेत्र है और किसी ब्राह्मण गांव का इंडस्ट्री है तो उसको बंद करा दिया गया, जहां ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और यादव का इंडस्ट्री है तो उसको बंद करा दिया गया। तो इस तरह से हमने अपने राज्य को टोटली, कहें कि हम लोग प्रोडक्शन देते हैं तो IAS और IPS दे रहे हैं, तो ब्रेन की कमी हमारे यहां नहीं। हम किसी चीज से भी, आज परिवेश भी बदला है। अगर हम 2005 से आज तक की बात करें, 20 ये 15 सालों में नो डाउट की परिवेश बदला है, लेकिन और बेहतर हो सकता है। इस बेहतर को करने के लिए हमें हमेशा जागृत होना होगा। जितने लोग राजनीति, चुनाव के समय चुनावी माहौल में आज क्षेत्र में घूम रहे हैं, वही लोग अगर अपने डेली के समय से, रोज जो उनका प्रतिदिन, वो अगर आधा घंटा समय एवरेज निकाल लीजिए उसका, 7 दिन के लिए आधा घंटा देते हैं, 3-3.5 घंटा का समय आपका जो है वो आप अगर अपने क्षेत्र में देते हैं, सरकारी विद्यालयों में। हम कहते हैं कि सरकारी विद्यालय तो हमारे यहां है, लेकिन हम कभी पलट के नहीं जाते हैं पूछने की वहां व्यवस्था क्या है। समस्या होती है, हमारे पास पैसे हैं, हम प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, लेकिन हम कभी पलट के नहीं जाते हैं कि यहां 10 शिक्षक है या 5 शिक्षक। वहां जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही है, क्लासेस लग रहा है नहीं लग रहा है, ग्रामीण परिवेश में कोई नहीं जाता है पूछने। यहां से कुछ दूर पूसा के पास 2 स्कूल है,
मैं जब भी उस रोड से क्रॉस करता हूँ तो उसको देखता हूँ, आप भी कभी जाए तो देखिए, वो विद्यालय काफी मतलब निजी विद्यालय की तरह उसका पेंट, उसके टीचर्स टाइम से आते हैं, उस विद्यालय का रिजल्ट, उसके पीछे उसका कारण यही है कि वहां के लोग उस स्कूल को इंटरवेन करते हैं, जाके पूछते हैं। तो सबसे पहले हमें बदलना होगा अपने काम के साथ साथ, थोड़ा बहुत समय अगर हम समाज को देना चाहते हैं समाज को देंगे। हमारे पास संसाधन की कमी, अभी बात हो रही थी कि इंडस्ट्री झारखंड के बंटने के बाद हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं, तो बिहार जो अगर गुजरात से गाड़ी आती थी उस समय तो झारखंड से कुछ लेके चली जाती, लेकिन झारखंड जब अलग हो गया तो हमारे पास लिमिटेड उद्योग है जो मतलब हम विकसित कर सकते हैं। ज्योग्राफिकली हम बाढ़ से गिरते हैं, हमारे यहाँ टूरिस्ट प्लेस नहीं है, आज तक हमने बनाने का प्रयास भी नहीं किया, डेवलप करने का इसको प्रयास भी नहीं किया है कि यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, तो लोग क्यों आएंगे? आज भी लोग वैशाली घूमने आते हैं, आज भी लोग वैशाली है और एक इधर मोतिहारी और इसके बीच में जगह है केसरिया, वहां टूरिस्ट आते हैं, तो पुराना है उसको भी हमने मेंटेन नहीं किया। जरूरी है अपने सोच को बदलने की हम लोगों को, और राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से हमेशा अगर हम एक्टिव रहें तो जरूर हमारा यह बिहार बदलेगा। समय कम है, परिचर्चा आगे कभी होगा इसका। ऑफर सीमित अवधि के लिए इस तेज पूजा और चचन पूजा के शुभ अवसर पर बिहार के गौरव आंचल, आंचल श्री और आंचल क्रिएशन दे रहे हैं 3,000 से 10,000 तक की खरीद पर 10% और 10,001 से अधिक की खरीद पर 20% तक की आकर्षक छूट। यहाँ है लक्ष्मीपति, शुभास और लाइफस्टाइल साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट, कुर्ती, चुनरी, शेरवानी और इमिटेशन ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन, साथ में उपहार भी। आंचल क्रिएशन, मोती झील।